आप मिस्टर इंडिया हैं, अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। सन्नाटा है, सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पर। कौन जीतेगा? हिंदुस्तान की उम्मीद मिल्खा सिंह या पाकिस्तान की शान, एशिया का तूफान कहे जाने वाले अब्दुल खालिक। शुरू, और इस रेस में शुरू से ही पाकिस्तान के अब्दुल खालिक बढ़त बनाए हुए। लगता है वो जीतने का फैसला करके आए हैं। अब्दुल खालिक आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए बेबाक बेधड़क जीत को हासिल करने की मन में ठान कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीत उनके कदमों को चूमती हुई। अब्दुल खालिक औरों को पीछे छोड़ते हुए जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं।